नमस्कार प्यारे भाई। देखिए, एक फादर अपनी इनकम का 8% कुछ लोगों में बांट देता है, बाकी देखिए सेकंड लाइन में देखेंगे वो अपने बच्चों को क्या करता है। 85% बांट देता है बड़े बच्चे को, और छोटे बच्चे को बांटता है उसका बच्चा हुआ। तो बोलो अगर उसने 100 रुपये बांटे बच्चे अपने बच्चों को, तो एक को 85 मिलेंगे, एक को कितने मिलेंगे? 15। ये एल्डर वाला है, ठीक है। तो एल्डर वाले को 85 रुपये मिले, हमने मान लिया, 100 100 रुपये भी हमने मान लिए, ठीक है, 85 रुपये मिले। अब वो क्या करता है बड़ा बच्चा, 85 जो उसको रुपये मिले थे उसमें से 90% खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना? 10%। तो 85 का 10% कितना होता है? 8.5, ठीक है प्यारे भाई। 85 का 10% कितना होता है? 8.5। ये वो रुपये बचा लेता है खर्च करने के बाद। पर क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि वो 17 रुपये बचाता है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 17, और हमारे हिसाब से क्या रहा है? 8.5। हम क्या करेंगे प्यारे भाई, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि वो काम आएगी असली यूनिट निकालने में, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, ये खाली 100 यूनिट है। तो ये कितना आ जाएगा? 17/8.5, ठीक है प्यारे भाई। अगर इसको जीरो लगा दें यहाँ पर, एक और ये डेसिमल हटा दें, तो कितना हो जाएगा? 85। और ये ठीक है, 17 से काटेंगे प्यारे भाई, 17 5 17 1 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 10/5, जो कि कट के कितना आएगा? 2, ठीक है। तो इसका मतलब एक यूनिट किसके बराबर है? 2 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब बताओ, वो बोल रहा है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है फादर की, ठीक है। अब बताओ, वो जो फादर था उसने अपनी सैलरी का 8% रुपया बच्चों में बांट दिया, जो कि हमने कितना माना? हमने तो 100 यूनिट के बराबर माना था ना, ठीक है। 8% उसने बच्चों में बांटा, पर तो उसकी असली सैलरी तो 100% ही होगी, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? 100/8, ये तो एक यूनिट की वैल्यू होगी, इंटू 100 कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है प्यारे भाई। और यहाँ देखिए, हमने इस यूनिट को रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर रखा है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 रुपये के। तो जो इतनी सारी यूनिट आई है, इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे भाई, ठीक है, ताकि ये रुपीज़ में आ जाएगा पूरा आंसर हमारा। अब बताओ प्यारे भाई, 8 से जब हम ये इसमें से 1000 को काटेंगे, 3 0 कटेंगे, 1 2 3, कितनी बार कटेगा? 125 बार कटेगा प्यारे भाई, ठीक है। तो 125 और 10 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 2500 रुपये आ जाएगा,